हिंदी सिनेमा की बेहतरीन अभिनेत्रियों में से एक वहीदा रहमान को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इंडस्ट्री में अपनी उम्दा परफॉर्मेंस से लाखों दिलों को जीतने वाली वहीदा रहमान लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजी गई हैं। जी हां, हाल ही में वहीदा रहमान को दादा साहेब फाल्के लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किए जाने की जानकारी इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने सोशल मीडिया पर दी है। आपको बता दें कि अनुराग ने ट्वीट कर लिखा है कि मुझे ये घोषणा करते हुए बेहद खुशी और सम्मान महसूस हो रहा कि वहीदा रहमान जी को भारतीय सिनेमा में अपने बेहतरीन योगदान के लिए इस साल प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा। साउथ सुपरस्टार प्रभास फिल्म बाहुबली के बाद काफी लाइमलाइट में आ गए थे। इस मूवी की एकाएक सक्सेस के बाद फैंस के बीच उनकी पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा बढ़ गई है। प्रभास इतने फेमस हो गए हैं कि मैडम तुषाद म्यूजियम में उनका वैक्स स्टैच्यू तक बना दिया गया। जी हाँ, प्रभास पहले साउथ एक्टर बताए जाते हैं जिनका वैक्स स्टैचू जो कि इस म्यूजियम में बनाया गया है, लोगों ने इसे काफी ज्यादा पसंद भी किया। अब आदि पुरुष एक्टर का एक और स्टैचू मैसूर के कर्नाटक के म्यूजियम में स्थापित किया गया है, लेकिन इसे देखने के बाद लोगों का इसे बनाने वाले पर गुस्सा फूट गया। बाहुबली प्रोड्यूसर शोभू यारला गद्दा ने प्रभास के नए स्टैचू पर कमेंट किया है। उन्होंने गलत तरीके से स्टैचू बनाने पर म्यूजियम वालों को फटकार तक लगाई है। दरअसल प्रोड्यूसर ने लिखा है कि यह आधिकारिक रूप से लाइसेंस प्राप्त कार्य नहीं है और हमारी अनुमति या जानकारी के बिना ये कार्य किया गया है, हम इसे हटाने के लिए तत्काल कदम उठाएंगे। इन दिनों मुंबई शहर में गणेश चतुर्थी की धूम मची हुई है। कई बॉलीवुड सितारों ने अपने घर पे गणपति बप्पा का स्वागत किया। वहीं बी टाउन के फेवरेट कपल अनुष्का शर्मा और विराट कोहली के घर पर भी बप्पा विराजे हुए हैं। हाल ही में गणेश पूजा के अनुसार अनुष्का और विराट की एक फोटो भी सामने आई है। आपको बता दें कि हाल ही में अनुष्का शर्मा और विराट कोहली के घर पर गणपति पूजा में सिंगर नीति मोहन और उनके पति एक्टर निहार पांड्या पहुंचे हुए थे। आपको बता दें कि नीति ने अनुष्का और विराट के साथ एक तस्वीर भी इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की है। फोटो में गणपति बप्पा के साथ नीति अपने पति और अनुष्का विराट के साथ कैमरे के लिए पोज दे रहे हैं। ये तस्वीर अब आग की तरह इंटरनेट पर फैल गई है। राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा की शाही शादी की फोटोज और वीडियोस देखना फैंस के लिए किसी सपने से कम नहीं था। सोशल मीडिया पर टकटकी लगाए बैठे फैंस हर पल दूल्हा और दुल्हन का एक लुक वायरल होने का इंतजार कर रहे थे। वहीं उदयपुर के लीला पैलेस में सात फेरे लेने वाले इस कपल ने खुद ही अपनी शादी की तस्वीरें फैंस के साथ शेयर की है। झीलों के बीच बसे इस पैलेस में रॉयल वेडिंग के बाद कपल अब रिसेप्शन पार्टी होस्ट करेंगे। रिपोर्ट के अनुसार कपल चंडीगढ़ में रिसेप्शन पार्टी होस्ट करेगा। इसी के साथ ही इसकी फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। इसमें राघव और परिणीति की दुल्हा दुल्हन वाले गेटअप की फोटो छपी हुई है। कार्ड में वेन्यू से लेकर के डेट का भी मेंशन हुआ है। वही राघव और परिणीति 30 सितंबर को चंडीगढ़ में रिसेप्शन पार्टी होस्ट करेंगे। वैसे अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि इन फ्यूचर हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए।